गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों को जोड़ने वाला मॉडर्न रेलवे स्टेशन मेघनगर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल के द्वारा जांचा गया। मेघनगर के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे आलोक कंसल ने सीसीटीवी कैमरों के बंद होने पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने मॉडल स्टेशन के हिसाब से कई कमियां पाईं और नगर की आम जनता की मांग एवं सुविधा के हिसाब से जल्द ही कमियों को दूर करने की बात कही। अभी वो देखिए, आज सुबह ही एपी साहब इस बारे में चर्चा कर रहे थे, दाहोद से इंदौर जो न्यू लाइन की है उस एंड से दो सेक्शंस कंप्लीशन हो गया है और आज अगले आने वाले वर्ष में भी दो सेक्शंस के चालू किया जाएगा। हर परियोजना के लिए बजट की आवश्यकता होती है और बजट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है, तो इसका लक्ष्य तभी हम तय कर पाएंगे जब हमें पूरी लैंड एक्विजिशन हो जाए। अभी मैं इसका रिव्यू करूंगा और उसके बाद में कार्य शुरू करने की प्रक्रिया की जाएगी। महाप्रबंधक ने कहा कि दो जंक्शन का काम पूरा हो चुका है, कुछ जमीन अधिग्रहण और आर्थिक बजट के मिलने के हिसाब से काम को जल्द ही पूरा किया जाएगा। नगर की आम जनता द्वारा रेलवे निर्माणाधीन ओवर ब्रिज एवं पैदल पुल के बीच की दूरी ज्यादा होने से मेघनगर रेलवे फाटक के समीप अंडर ब्रिज की मांग की गई, जिस पर महाप्रबंधक ने राज्य सरकार से 50% आर्थिक सहयोग लेकर काम प्रारंभ करने की बात कही। झाबुआ से सुनील डाबी की रिपोर्ट।